दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं अंजनी कुमारी। रोहतास में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। नियमों का उल्लंघन कर बालू माफियों के द्वारा किया जा रहा था बालू का परिवहन। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बालू लदे 6 हाइवा को किया जब्त। रोहतास जिला के डेहरी नासरीगंज मुख्य मार्ग पर आयर कोठा थाने के समीप पुलिस प्रशासन और खनन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की टीम ने बालू लदे आधा दर्जन हाइवा को जब्त किया है। डेहरी अनुमंडल के पदाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से अवैध बालू के खनन और परिवहन को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर डेहरी अनुमंडल प्रशासन पुलिस और खनन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जहां खनन और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले बालू लदे 6 हाइवा को जब्त कर अगली कार्रवाई जारी की गई है। रोहतास जिला में बालू माफियों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकार का राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था। बताया गया कि रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के बडीहा, शंकरपुरा, ए और बी, कटार, हुकार, बरन बिगहा, बेरकप और विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के अमियाबार, छोटकी सबदला, बड़की सबदला, अतमीगंज, बालू घाटों से खनन विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सोन क्षेत्र से बालू खनन किया जा रहा था। इसके साथ ही बालू घाटों से रात के समय ओवरलोडेड गाड़ियों पर बालू लोड कर बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा था। खनन नियमों का उल्लंघन कर पोकलेन मशीन के द्वारा सोन नदी से बालू का खनन कर ट्रक और हाइवा पर बालू को लोड कर दिया जाता था, जिससे बालू माफियों को मोटी रकम की कमाई होती थी। पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की इस कार्यवाही के दौरान पकड़े गए बालू लदे 6 हाइवा प्रमाणित करते हैं कि बालू माफियों के द्वारा बालू घाटों से नियमों का उल्लंघन कर बालू का खनन और परिवहन कर सरकार को चूना लगाया जा रहा था, जिसमें खनन विभाग तथा स्थानीय थाना की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों ऐसे और न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बाबा दर्शन न्यूज़ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।